बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वर्कबुक ऑफ सोशल स्टडीज ग्रेड 4। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर प्लानर। यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे एंड फर्स्ट ब्लॉक ऑफ वीक नंबर 1। नाउ यू हैव टू ओपन योर बुक एंड गो एट पेज नंबर 50 फॉर रीडिंग। First, you have to mention date and day at the top of the page. Lesson number 8, Law and Justice. Law होता है कानून और justice होता है इंसाफ। ये जो हमें नज़र आ रही है पिक्चर किसके बारे में है? ये जो तराजू हमें नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये इंसाफ को शो कर रहा है। अगर ये बैलेंस होगा, इट मीन्स कि इंसाफ हो रहा है मुल्क में। और अगर ये एक पलड़ा इसका भारी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अनफेयर मीन से काम लिया जा रहा है। और ये बुक ला को बताती है कौन कौन से कानून हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ला होता क्या। व्हेन यू प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक फुटबॉल और कैरम बोर्ड, यू मे हैव सम रूल्स टू फॉलो सो द गेम इज फेयर एंड एवरीवन नोज व्हाट दे आर अलाउड टू डू एंड व्हाट दे आर नॉट अलाउड टू डू। जैसे कि आप लोग कोई भी गेम्स खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ, बहन भाइयों के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल कैरम या फुटबॉल खेलते हैं, तो खेल शुरू करने से पहले आप लोग कुछ रूल्स वगैरह सेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कहते हैं ना कि फ़लाँ साइड पे बॉल नहीं जानी चाहिए तो वो आउट हो जाएगा, उसको निकाल देंगे गेम से। फ़लाँ ऐसे उसकी जगह पे नहीं मारेंगे तो वो आउट हो जाएगा, उसको निकाल देंगे गेम से। इसी तरह होता है, ये चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि आपकी गेम्स जो होती हैं वो फेयर हों, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा और कौन सा आपको करने की इजाज़त नहीं दी जाती इसमें। इन द सेम वे टू कीप थिंग्स फेयर एंड लेट पीपल नो व्हाट इज़ राइट टू डू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, लॉज आर मेड। इसी चीज़ के लिए, इसी लिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही है और कौन सी चीज़ उनके लिए गलत है, तो रूल्स बनाए जाते हैं। Laws are the rules that are made by government of the countries. जो laws होते हैं, वो जो कानून होते हैं, वो असूल होते हैं कुछ, जो कि किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट बनाती है। One purpose of law is to provide guidelines that help to keep peace and order. जो एक मकसद होता है, जो सबसे अहम मकसद होता है laws बनाने का, कानून बनाने का, वो ये होता है कि लोगों को guideline provide की जाए ताकि मुल्क में अमन अमान रहे। Laws tell us about our duties and rights. जो laws होते हैं, जो कानून होते हैं, हमें बताते हैं कि हमारी कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं और कौन से हमारे हकूक हैं। Laws protect us from those who try to harm us in any way. जो laws होते हैं, जो कानून होते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं नुकसान से बचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे law हमें बचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपको तंग कर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गुंडा वगैरह तंग कर रहा हो, कुछ भी कर होता है, समटाइम आप लोगों के घरों पे डाके वगैरह डाले जाते हैं या कुछ चोर आके ले जाते हैं चीज़ें, तो लास्ट इसलिए होते हैं कि प्रोटेक्ट कर सकें आपको। आप पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं कि हमें हिफाजत चाहिए, तो वो आपकी हिफाजत करते हैं, इसीलिए लास्ट वगैरह बनाए जाते हैं ताकि वो आपकी प्रोटेक्ट कर सकें, हिफाजत कर सकें। Every society gives justice to the people. हर माशरा जो है वो लोगों को इंसाफ देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लॉ वगैरह बनाए जाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की हिफाजत कर सके और उनके जो हकूक हैं उनको प्रॉपर तरीके से दिए जा सकें और किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं जस्टिस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जस्टिस। जस्टिस होता क्या, इंसाफ होता क्या है? Justice means to treat everyone fairly under set rules and laws with honesty and respect. Justice क्या होता है, इंसाफ क्या होता है? कि जो आपने rules set किए हुए हैं उनमें, उनको देखते हुए सबके साथ इक्वली सलूक करना है, इक्वली ट्रीट करना है सबको। ऐसा ना हो कि किसी को आप ये कह के छोड़ दें कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, नहीं, इसने फलां काम मेरे साथ अच्छा किया था, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रिलैक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नो, आपने उनको इक्वली ट्रीट करना है। Justice and fairness are important because they make our home, school, community and world a better place for all people. जो justice होता है, जो fairness होती है, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे स्कूल के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे हमारे मुल्क और हमारा माशरा बहुत अच्छा बन सकता है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये साइन देखिए, इसकी एक साइड झुकी हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है।
तो जब हम इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे तो अनजस्टिस होगा और उससे मुल्क में इंतशार पैदा होगा, लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा बढ़ेंगे जब तक आप इसको इक्वली ट्रीट फेयरली ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट्स हमारे पास आ गई। मोहम्मद इलियास इज द यंगेस्ट सिविल जज ऑफ द वर्ल्ड। ही पास द एग्जामिनेशन एंड बिकेम अ सिविल जज इन जुलाई 1952 एट द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। ही स्टार्टेड हिज वर्क एज अ जज इन लाहौर पाकिस्तान। हिज नेम हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज द यंगेस्ट जज ऑफ द वर्ल्ड इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 1991। लेटर ऑन ही ऑल्सो बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद इलियास एक जज का नाम था, वो दुनिया के सबसे छोटे जज थे, कम उम्र तरीन जज उनको कह सकते हैं। उन्होंने अपना जो एग्जामिनेशन है वो पास किए और सिविल जज बन गए थे जुलाई में 1952 में। और उनकी एज क्या थी उस वक्त, 20 साल और 9 महीने की उम्र में वो जज बन गए थे। दुनिया के कम उम्र तरीन जज में उनका नाम आता है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। ये दुनिया के सबसे छोटे जज हैं, वो कम उम्र तीन जज वो थे। और कब लिखा गया उनका नाम, 1991 में, 1991 में। और उसके बाद वो बाद में कुछ अरसे के बाद वो बने थे चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। पेज नंबर 51 पे मूव करें। फर्स्ट यू हैव टू मैंशन डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज। देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपके लेवल पे कौन कौन से जस्टिस आप लोग कर सकते हैं, कैसे आप इंसाफ दूसरों को दे सकते हैं और खुद वो वाले काम कैसे कर सकते हैं। आपके लेवल पे भी जस्टिस हो सकता है। स्टूडेंट कैन शो जस्टिस एंड फेयरनेस एट स्कूल बाय। स्कूल के अंदर आप कैसे जस्टिस को शो कर सकते हैं, आप अपने अपने क्या बोलते हैं उसे, अपने अमल से, अपने कामों से। ठीक है, ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई आपने सबको एक जैसा ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है तो आपने उसको सपोर्ट कर दिया, नहीं ये मेरा दोस्त है ना, इसके साथ ऐसे नहीं बात करें, ये खड़ा नहीं हो सकता या फिर बैठ नहीं सकता। नो, आपने उनको भी बाकी लोगों के साथ इक्वली ट्रीट करना है। कोऑपरेटिंग विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। फॉर एग्जांपल आपका काम हो चुका है, दूसरा आपका जो फेलो है उसका काम नहीं हुआ, तो आपने दूसरे की हेल्प करनी है। हो सकता है किसी और वक्त में आपका जो दोस्त है वो आपकी हेल्प करे, आपका वो फेलो हेल्प करे, ठीक है, तो आपने कोऑपरेशन करनी है दूसरों को काम करने में। बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैव टू से, आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने दूसरों को एहतराम, अदब व एहतराम के साथ सुनना है और फिर बात का जवाब देना है। मोस्टली बच्चे क्या काम करते हैं, एक भी बच्चा बोल रहा हो, कोई चीज़ बता रहा हो, बाकी 3-4 खड़े हो जाते हैं, नो मैम 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 हमारी सुन, नो 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 नो, आपने ये काम नहीं करना। अगर कोई बंदा बात कर रहा हो, आपका दोस्त, आपका फेलो है या कोई टीचर है या कोई भी और इंसान है, बात कर रहा हो, आपने पहले उसकी बात को सुनना है फिर जवाब देना है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा, बोलने का मौका देते हैं पहले वाले को, ठीक है, बात किसी की नहीं काटते। प्लेइंग द नो, बीइंग विलिंग टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर एवरीवन, कोशिश करें कि हर वो काम करें जो हर किसी के लिए अच्छा हो। ऐसा ना हो जो काम आपका, ये जो गेम आपका सिर्फ आपका दिल कर रहा हो खेलने का, आप वो काम करें बाकी 10 लोग हो उनका दिल ना कर रहा हो, ठीक है, तो आपने वो काम करने हैं जो सबके लिए अच्छा हो। प्लेइंग द गेम्स विद प्रॉपर रूल्स एट ऑल टाइम्स, जब भी आप कभी गेम्स खेल रहे हो तो गेम्स खेलने से पहले प्रॉपर रूल्स बनाएं फिर उनको फॉलो करें। इंक्लूडिंग अदर्स इन गेम्स एंड एक्टिविटीज़, जो दूसरे लोग होंगे आपके साथ आपने उनको भी अपनी गेम्स के अंदर और एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करना है, उनके साथ खेलना है गेम्स वगैरह। स्टैंड अप फॉर समवन यू सी बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, आपने उसके साथ खड़े होना है जिसके साथ आपको लग रहा हो कि इसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं स्कूल में कि कोई बच्चा है, नया बच्चा आ रहा है, नया स्टूडेंट स्कूल में आ रहा हो और बाकी लोग उसको तंग कर रहे हों, उस वक्त पर उसका कोई बोलने में इशू या कुछ भी हो तो उसको बाकी लोग तंग कर रहे हों, तो आपने उस बच्चे के साथ स्टैंड करना है, उसके हेल्प करनी है और उसके खिलाफ जाके टीचर्स को बताना है कि इस बच्चे को बाकी लोग तंग कर रहे हैं। Those people who break the laws or harm other people are arrested by police and are brought before judge in a court. जो लोग रूल्स को तोड़ते हैं, लोगों को तंग करते हैं, उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट में जज के सामने उनका पेश किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कोर्ट क्या होता है और जज कौन लोग होते हैं। कोर्ट भी देखते हैं, कोर्ट इज़ अ बॉडी सेट बाई गवर्नमेंट टू सेटल क्लैशेस एंड फेयरनेस। ठीक है, जो कोर्ट एक जगह का नाम बनाया जाता है, एक बिल्डिंग सी होती है वहाँ, उसको कोर्ट का नाम दिया जाता है और वो गवर्नमेंट बनाती है, उसके अंदर
रूल्स वगैरह सेट किए जाते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करना है और लोगों के क्लैशेस और जो को सॉल्व करना है, लोगों के जो मसले होते हैं उनको अपने हल करना है वहाँ पे। जज, जज कौन होता है? जज हियर्स द कंप्लेंट्स ऑफ पीपल अगेंस्ट वन अनदर एंड अनाउंस डिसीजन अकॉर्डिंग टू लॉ। जज वहाँ पे बैठा होता है, एक आदमी होता है, वो लोगों के मसले पहले सुनता है और फिर जो लॉ होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जो रूल सेट किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो फैसला सुनाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉयर। लॉयर कौन होता है? पीपल हु प्रेजेंट द कंप्लेंट्स इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड डिस्कस देम आर कॉल्ड लॉयर्स। जो वहाँ पे जज के सामने कोर्ट में लोगों के मसले बताते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? लॉयर बोलते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें स्टूडेंट्स कि हम लोग डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई इशू है किसी काम में, मुझे कोई मसला पेश आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली खुद नहीं जाके जज के सामने खड़ी हो जाएगी कि जज साहब मेरा ये मसला है, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नो, प्रॉपर वे से जाऊँगी मैं पहले लॉयर के पास, लॉयर वो कंप्लेंट लेके कोर्ट में जाएगा और जज के सामने वो मसला बयान करेगा कि फलां बंदे को क्या मसला है, क्या इशू है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि हर बंदा मुंह उठा के चला जाएगा। नो, प्रॉपर तरीके से जाना होता है वहाँ पे। और जो ये काम करता है, जज के सामने आपका मसला बयान करता है, उसके लॉयर कहते हैं, वकील कहते हैं। गिल्टी पर्सन्स आर सेंट टू द प्रिजन टू बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर द क्राइम दे हैव कमिटेड। जो मुजरिम होते हैं, जो गिल्टी पर्सन्स होते हैं, उनको जेल में भेजा जाता है। प्रिजन कहते हैं जेल में, ठीक है, और पनिश कहते हैं सजा। जो वो जुर्म करते हैं उसके मुताबिक उनको सजा दी जाती है और उनको जेल में भेज दिया जाता है। देयर कैन बी नो सोसाइटी इफ देयर आर नो लॉज एंड नो जस्टिस। वहाँ पर सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर आपकी सोसाइटी में लॉ भी नहीं होगा और जस्टिस नहीं होगी। ठीक है ना, आपकी सोसाइटी में अगर कानून और इंसाफ नहीं होगा तो आपकी सोसाइटी एग्जिस्ट कर नहीं सकती। हर कोई बंदा दूसरे से लड़ रहा होगा, ठीक है, और जो मुजरिम होगा उसको सजा नहीं मिलेगी और जो मजलूम होगा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करेगी। कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ऑल्सो अ फेमस लायर। जो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी एक बहुत मशहूर लायर थे। मूवर पेज नंबर 51, पेज नंबर 52 पे हमारे पास आ गया पहले सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। हियर इज अ पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। जो किसी भी मुल्क के अंदर जो सबसे जो बड़ा कोर्ट होता है उसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। पूरे कंट्री को वो देख रहा होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज इन इस्लामाबाद। जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है वो इस्लामाबाद के अंदर है, ये कैपिटल के अंदर होता है। इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ पे है? कैपिटल में, इस्लामाबाद में। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर कंसिडर्ड टू बी फाइनल एंड कांट बी चैलेंज्ड बाय एनी अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री। जो डिसीजन किए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उसको बाकी जो कोर्ट्स होते हैं मुल्क का कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। उनको हतमी फैसला होता है, जैसे पत्थर पे लकीर होती है ना, उसी तरह उनका फैसला नहीं बदला जा सकता। द हेड ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो वहाँ पे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करने वाले, उनका एक हेड भी होता है, तो उस हेड को क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है और ये कहाँ पे? इस्लामाबाद में, और इसके जो फैसले होते हैं इसको कोई भी दूसरा कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। और इनके जो चीफ और इनके जो जजिस का हेड होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट इज़ द हाइएस्ट जुडिशियल कोर्ट ऑफ द प्रोविंस बेस्ड इन द कैपिटल ऑफ ईच प्रोविंस। जो हाई कोर्ट होता है ये सूबे के हिसाब से बड़ा कोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे मुल्क के अंदर चार सूबे हैं, चार प्रोविंसेस हैं, और हर सूबे का इसी तरह एक हाई कोर्ट होगा और ये सूबे का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट्स कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट के अंदर जो फैसले किए जाते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे के साथ कोई बंदा कहता है कि मेरे साथ ये सलूक अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे इनका फैसला नहीं सुनाएगा, तो उसका फैसले को उसके जो हक में फैसला हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है। यहाँ पे पिक्चर है सुप्रीम कोर्ट की, देख लें, लाहौर हाई कोर्ट की ये पिक्चर है। स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको आपने अंडरलाइन करके उनके मीनिंग लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।